अपने सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया हूं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अचीवमेंट क्या चीज होती है। जिसमें हम आपको बताएंगे कि बिल गेट्स जो था वो जीरो से हीरो कैसे हो गया है अचीवमेंट की वजह से। जिसमें हम आपको बताएंगे कि फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग वो जीरो से बिलियनर कैसे हो गया है। इस वीडियो को देखते रहें, मेरे YouTube और Facebook चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, इस अचीवमेंट का जो टॉपिक है, अचीवमेंट जब हम हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले याद रखें हमें अपना एक गोल बनाना है। हर शख्स की लाइफ का एक मकसद होता है। लाइफ का मकसद कोई सियाना हो, कोई बेवकूफ हो, कोई पढ़ा लिखा हो, कोई जाहिल हो, पेंडू हो, शहरी हो, कोई भी शख्स हो, उसकी जिंदगी का एक मकसद होता है। इसलिए हर शख्स, मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि हर शख्स एक जबरदस्त सा गोल बनाए, गोल 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 अपनी मंजिल बनाए। हर शख्स की प्रायोरिटी डिफरेंट है। डिफरेंट प्रायोरिटीज के अलावा भी अगर मैं समअप करूं तो कोई शख्स इज्जत चाहता है, कोई शोहरत चाहता है, कोई पैसा चाहता है। ये तीन ही मंजिलें हो सकती हैं इंसान की। जो भी रखें आप, दैट्स गुड। उसको भी अगर हासिल करना चाहते हैं तो इन चीजों के ऊपर अमल करें। नंबर टू के ऊपर आएगा ऑब्जेक्टिव्स। याद रखें हर शख्स अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव बनाएं, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हर शख्स के कुछ जाती ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ आवाम से रिलेटेड होते हैं। जब मैंने कोई गोल कामयाबी के लिए बना लिया है, इज्जत शोहरत पैसे के लिए, तो उसके लिए मेरी वर्किंग में मेरे जाती ऑब्जेक्टिव, मेरी जात के ऊपर भी वर्किंग आएगी, कुछ अवामी तौर के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, कुछ मुल्की लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसलिए अपने ऑब्जेक्टिव में जहन में रखें, आपने अपनी जात को भी फायदा पहुंचाना है, अवाम को भी फायदा पहुंचाना है और मुल्क को भी फायदा पहुंचाना है। अगर आप चाहेंगे कि लोगों को पॉवर्टी एलिवेशन से उठाएं तो लोग आपको उठा के ऊपर कर देंगे। एम्पावरमेंट जरूरी है, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। आप लोगों को एम्पावर करेंगे तो लोग अपने कंधों पे उठा के आपको ऊपर कर देंगे। अपने ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव रखें, नंबर टू के ऊपर था। नंबर थ्री के ऊपर जी टाइम। टाइम की कदर करें। अगर किसी जगह पे आपने अपने टाइम दिया तो 5 मिनट पहले पहुंचे। अगर आपने डिसाइड किया कि इतने घंटे काम करने हो तो इतने घंटे करें। अगर आपने डिसाइड किया कि मैं सुबह से शाम तक करूंगा, अगर आपने डिसाइड किया कि इतने टाइम फ्रेम में इसको फिनिश करना है तो कोशिश करें कि उस टाइम फ्रेम में इसको फिनिश करें। याद रखें हम बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम कैन नॉट बी रिवर्स। बड़ा सुना है हमने बड़ों से, लेकिन एक चीज और बता दो। मैं बाबा बशीर सैन के पास बैठा हुआ था, मैंने उनके पास बैठा तो मैंने कहा बाबा जी कोई गुर की बात बताएं। उन्होंने कहा बच्चा याद रखो, अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने आज को गुजरे कल से बेहतर बनाओ, अपने आज को गुजरे कल से बेहतर बनाओ और अपने आने वाले कल को अपने गुजरे आज से, यानी आज से बेहतर करो। तो याद रखो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है। ये तो नंबर थ्री के ऊपर। नंबर फोर के ऊपर आएगा वर्क बेटर। हमेशा याद रखें कुछ ना कुछ बेहतर करते रहें, कुछ ना कुछ बेहतर करते रहें। उसके बाद आएगा रिजल्ट ओरिएंटेड। याद रखें आपने अपने आप को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है। कैसे? हां, एक जबरदस्त सी मिसाल देता हूं। हर शख्स की लाइफ कुछ शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। अगर नहीं होते तब भी याद रखें कुछ शॉर्ट टर्म रिजल्ट आते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म रिजल्ट आते हैं काम के। आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके शॉर्ट टर्म रिजल्ट आ गए। लॉन्ग टर्म आपने सपोज कोई भी अपना कोई शोभा कोई फील्ड उठा लें, एक छोटी सी फील्ड गांव के लिहाज से बता दूं, या आपने पोल्ट्री फार्म खोल लिया, जब शॉर्ट टर्म के ऊपर आपके पास अंडे आना शुरू हो गए तो वो भी चल गया, उसके बाद इतना जानवर हो गया आपके पास तो आप कारोबार में उसको सेल किए जा रहे हैं। तो बात यह है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग जरूरी है। जब आपको शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो याद रखें आपको लॉन्ग टर्म में भी रिजल्ट मिलेगा। ये तो हो गया नंबर फाइव। नंबर सिक्स के ऊपर हमारे पास आएगा जी, कोई भी अचीवमेंट हासिल करनी हो बगैर ऑर्गेनाइजेशन के हासिल नहीं होती।
एक ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप काम करें, एक डिसिप्लिन के साथ काम करें, एक एक फ्रेमवर्क के अंदर रहकर आप काम करें, तो गारंटी है जनाब कि आप कामयाबी आपका मुकद्दर है। डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट होता है, प्लानिंग होती है, होमवर्क होता है, आगे ऑपरेशन होता है, सारा सारे डिपार्टमेंट है। तो अगर आपने कुछ अचीव करना है तो ऑर्गेनाइज तरीके से, एक डिसिप्लिन के साथ, एक जबरदस्त तरीके से इसको काम करें। ये नंबर सिक्स था जी। नंबर सेवन के ऊपर आ गया जी पीपल ओपिनियन। याद रखें, जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो लोग आपसे मशवरा लेते हैं, हर कामयाब शख्स से मशवरा लिया जाता है। अब दुनिया में बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग से दुनिया टाइम लेती है कि सर मुझे 10 मिनट दे दें, 5 मिनट दे दें, इस 5 मिनट में आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कि व्हाट कैन आई डू इन द बिजनेस। पाकिस्तानी कंपनी, मोबाइल कंपनी बाहर गई है उसके पास, बिल गेट्स के पास, सर आप मेरे से पैसे लें, मुझे टाइम दें, मुझे बताएं मैं क्या करूं। उसने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल को मोबाइल बनाएं। उस कंपनी ने इतना बिजनेस किया पाकिस्तान में, इतना बिजनेस किया, नो डाउट वो कंपनी कहां गई है। इनसे मशवरा लेने के लिए इनको इनसे 5 मिनट 10 मिनट के पैसे दे दिए, सर ये पैसे ले हमें काम, हमें बिजनेस बताए, काम बताए। तो याद रखे, पीपल ओपिनियन एक तो ये है कि जब आप कामयाब हो जाएंगे दुनिया आपसे टाइम लेगी, दूसरा पीपल ओपिनियन जरूरी है। जो दिखता है वो बिकता है, जो पब्लिक डिमांड है वो सेल होता है। अगर आप कुछ यूनिक ऐसा कर लेंगे जो पब्लिक डिमांड नहीं है तो कुछ सेल नहीं होगा। इसलिए पीपल्स ओपिनियन को प्राइम प्रायोरिटी के ऊपर रखना है अपने अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं तो। ये नंबर सेवन था जी। नंबर एट के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, व्हाट इज ऑन नंबर एट एंड लास्ट वन आएगा जी आपके पास, पर्सनल मेजर्स। हर शख्स चाहे वो सेकुलर है चाहे वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है, मजहब उसको कहता है कि अपने आप को ग्रूम करो रिलीजियसली, सोशली एंड माशर्ती एतबार से भी अपने को थोड़ा सा ग्रूम करो, कुछ बेहतर करो। अगर हम अपने सेल्फ मेजर्स, पर्सनल मेजर्स में कामयाब हो जाते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, अगर हम अपने आप होंगे इन चीजों के ऊपर, इन पैरामीटर्स के ऊपर दोस्तों आप अमल करेंगे तो आप लोगों को अचीवमेंट मिलेगी। इन पैरामीटर्स के ऊपर अमल करके हर कामयाब ने, हर सक्सेसर ने कामयाबी हासिल की है। आपको पसंद आए तो मेरे YouTube Facebook चैनल को सब्सक्राइब करें, सक्सेस विद मुबशर को। लाइक सेक्शन में लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगली वीडियो तक अपने होस्ट मुबशर नकवी को इजाजत दें। Stay tuned with me. Allah Hafiz.